तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। वाओ हफ्सा, हकमेर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? अगर 20 लाख हकमेहर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये मामा को हो क्या गया। देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक मेहरी लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अहमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोल लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? हम ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बात है करिए तो? तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी, ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ, खुशियां लाएगी। निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ। नहीं अजान, अजान फसूल ड्रामा करके वक्त आया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की पट्टी जो बंधी है। क्रेजी रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हकमेर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी के बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज, ये सब मेरी गलत है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। Anyway, ये आप लोगों का आपस का मामला। I don't really care. हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो सर, let's go. फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक महर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो। आपा, मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दें। बहुत बुरा हुआ। तो क्या बारात अब वापस चली जाएगी? अल्लाह ना करे। कहीं अजान भाई ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे क्या पता, लेकिन अंदर से जल जरूर रहे होंगे। आखिर ताबीर इतने बड़े घर में जो जा रही है। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ और क्या किया उन्होंने?
तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर, हम पर एतबार ही नहीं किया, क्या समझाए हमें, हम कोई उठाई गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं, क्या मसला था उन्हें। बात 20 लाख की नहीं है, मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ, तुम्हारे खातिर 20 लाख क्या चीज है, असल चीज होती है इज्जत, लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहे कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पर पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी सात पुश्ते राज करने की आदी हूँ, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार मोहब्बत इश्क वेश सब टेम्पररी बातें, अगर कोई चीज़ इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते, मैं वो इज्जत डबो दूं? आज हमारे बुजुर्गों की रूहें कितनी तड़प रही होंगी, अंदाजा है तुम्हें? मामा, आपसे एक बात पूछूं मैं, खानदान में कितनी शादियां होती हैं, क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक मेहर लिखवाया है, ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है, हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर उंगलियां क्यों उठाएगा? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो अमर, क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे, कि रुबाब अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी जबान खींच लूंगा। मेरे दो ही बेटे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें इन लड़ाई झगड़ों में झोंक दूं? मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी औलाद है, और मैं उनको इन मसलों में फंसा दूं? कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है मैं अपने हाथों से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? चलो फहद, चलते हैं और देखते हैं कि आज इसको इसकी माँ की इज्जत का पास है, या वो हफ्सा की लाडली जिसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे और मुझसे आपको कोई नहीं छीन सकता, और जहां तक बात आपके रुतबे की है, उसके आस पास क्या उसके करीब ही कोई नहीं आ सकता। आ सकता है, आ चुकी है वो, और तो और उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया, बल्कि वो तो मुझसे आगे निकल गई है इस मामले में, और उसी की वजह से तो तुम इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे हो। याद करो, आज तक तुमने मेरे किसी हुक्म के आगे उफ तक नहीं किया, और आज आज जो कुछ हो रहा है सब उसी की वजह से है ना। मॉम रहने दे सब बातें, तो कोई फायदा नहीं है, मुझे पता क्या लगता है, इन माँ बेटियों ने ना इसको कुछ घोल कर पिला दिया है, वरना अहमर की ताबेदारी और फरमा बरदारी के किस्से तो पूरा जमाना सुनाया करता था। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है। इस हफ्सा बेगम के जादू तो इस पर ही उल्टे पड़ जाएंगे। मामा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तब एक माँ के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं, लेकिन इस दुनिया में इज्जत से बढ़कर और किसी चीज की कदर कीमत नहीं है। मैं आज जो कुछ कह रही हूँ, जो कुछ तुम्हें समझा रही हूँ ना, कल तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी माँ का दिल क्यों तड़प रहा था। हम जा रहे हैं अमर, तुम्हें निकाह करना है तो बड़े शौक से करो, मगर याद रखना तुम्हारी जिंदगी में फिर सब कुछ होगा, सिर्फ एक माँ नहीं होगी। मामा रुके, मेरी बात सुने। मामा रब्बा वे एक तू ही सहारा, रब्बा वे